तो हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विराज और आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी ब्लॉग्स में। और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल मेरे एक्सटी को लेके, और आज गोप्रो मेरा लाना, मैं नहीं लाया और बस फ़ोन से ब्लॉग बना रहा हूँ। और कल है विश्वकर्मा पूजा, तो आज मेरे एंटॉर्क का मेरा फर्स्ट सर्विस होने जा रहा है। और फर्स्ट सर्विस का कितना क्या एक्सपीरियंस वगैरह होता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप लोग देख सकते हो अभी तक कितना चला है 527, और सर्विसिंग का वो जो आता है ना इंडिकेशन वो भी आ चुका है। तो अभी तेल वगैरह नहीं, नहीं भरूंगा, सर्विस पहले कर लेते हैं फिर उसके बाद फ्यूल वगैरह भरा लूँगा। और सर्विस सेंटर यही पास में है, तो बस वीडियो पे बने रहो और आगे तक देखते रहो कि क्या क्या होते रहते। आप लोग गुवाहाटी का कंडीशन तो देख ही सकते हो, क्या हालत होके रखा है। लाइक ये सब पता नहीं क्यों ये लोग ठीक नहीं करता है। लाइक अभी अगर थोड़ा सा फिर से बारिश गिर जाए ना, पूरा यहाँ पे एकदम मतलब सागर जैसा, समुंदर जैसा बन जाएगा। लाइक पता नहीं ये लोग ठीक क्यों नहीं करता है, लाइक क्या ही बोले। और मेरा एक्सटी को आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा होके रखा है। तो आज सर्विस में पूरा एकदम बिल्कुल मेरा फर्स्ट सर्विस होने जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से साफ वगैरह करवाना पड़ेगा, नहीं तो कल विश्वकर्मा पूजा भी है। तो बस वही बात है। और बस अभी सर्विस सेंटर पहुँच ही गया, क्योंकि सर्विस सेंटर है जू रोड में, बहुत ही मतलब सामने है मेरे घर से। तो गीतानगर से मतलब जू रोड ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स होगा, 3 to 3.5 किलोमीटर्स। और यहाँ का हालत देखो गैस रास्ते का, बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गया। तो गैस मैंने जो कहा था ना मेरा फ्लोर मेट, तो आप लोग देख सकते हो मैंने फ्लोर मेट दोबारा लगा लिया। और लाइक वो पहला वाला कहीं पर घूम हो गया था, फ्लोर मेट भी मैंने लगवा लिया। बस इसको अभी फिटिंग करवाना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं फिटिंग नहीं करवाया था इसलिए गिर गया, और इस बार भी नहीं करवाया, तो आज ही इसको मैं फिट करवा लूँगा सर्विस सेंटर से। तो ये अभी पहुँच गया जूरो तीनियाली, और बस सर्विस सेंटर ये नेक्स्ट वाला गली में ही है। ये अभी पहुंच गया सर्विस सेंटर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये तो बंद ही दिखा रहा है, पता नहीं बंद ही होगा, शायद अभी खुला ही नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम भी आप लोग देख सकते हो ना 7:38। ये अभी यहाँ पे मैं पार्क किया, क्योंकि ये सर्विस सेंटर अभी तक खुला नहीं। और इस सर्विस सेंटर का नाम है सवेरा TVS। लाइक सवेरा से मतलब शोरूम से मैंने ख़रीदा था XT को, और तो इसी का सर्विस सेंटर है। और इसका हालत आप लोग देख सकते हो क्या एकदम गंदा होके रखा है ना। और ये फ्लोर मेट भी आज टाइट करवाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ये मतलब ऐसे निकल जाते हैं। और कल जैसे कि विश्वकर्मा पूजा है, और आज डेट है 16, और अभी टाइम होके रखा है ऑलमोस्ट 7:40। तो बस कल जैसे कि विश्वकर्मा पूजा है, तो आज मैं इसीलिए इतना जल्दी आया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लेट करके आता ना, लाइक मुझे स्लॉट वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बुकिंग करवा के रखा है। लेकिन इन लोगों का ना क्या है कि मुझे फ़ोन में भी बोला है कि जो आगे आएगा वही मतलब सबसे पहले सर्विसिंग करवाएगा, तो बस वही बात है। इसीलिए मैं सोचा कि एटलीस्ट 10-15 मिनट में रुक लूँगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले सर्विस करवाना है। तो बस वही बात है, टाइम हुआ ऑलमोस्ट 7:50, और यहाँ पर सर्विस सेंटर ओपन ऑलमोस्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो बस रुका हुआ हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे बहुत जल्द करवाना है, क्योंकि और भी बहुत काम है। और मेरे स्नोई को भी मैं मतलब ऐसे दे के आया हूँ वॉशिंग के लिए। तो बस तो इसका एंट्री कुछ इस साइड से, लाइक वो आगे से लाइक इस साइड से आने बोला मुझे, तो पता नहीं इस साइड से कहाँ से एंट्री होगा, देख लेते। वहाँ पे मैंने स्कूटी को कर दिया है पार्क, और बस अभी वेट करते हैं। यहाँ पे लोग अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 8, तो बस बैठ लेते हैं अंदर और बस इंतज़ार करते हैं। तो गाइस जैसे कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है TVS में, तो बस आज देख लेते। पहले तो हीरो मेरा एक्सपल्स था, तो वहाँ पे सर्विस वगैरह करवाता था, और TVS का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और फर्स्ट पहला मेरा फर्स्ट फ्री सर्विस होता है। और फ्री सर्विस बहुत कोई सोचता है कि एकदम फ्री होता है, लेकिन नहीं, जो सर्विस जो मतलब कॉस्ट होता है ना, जो मतलब लेबर कॉस्ट होता है, बस वही ये लोग चार्जेस नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो मोबिल वगैरह चेंज होते हैं इंजन वाले में, तो उन सब का सब कुछ का आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत कोई ऐसा मतलब सोचता है कि फ्री सर्विस का मतलब है एकदम मतलब पूरा फ्री, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को इंजन ऑयल, फिर जितना पार्ट्स होता है ना, उन सब का पैसा देना पड़ता है, बस सर्विस चार्ज देना नहीं पड़ता। और तो मेरे स्कूटर का लाइक 4 सर्विसिंग फ्री दिया है, तो बस ये मेरा आज फर्स्ट सर्विस है,
सो लेट्स सी कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है और जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे नॉर्मली सर्विस सेंटर के अंदर में लाइक वीडियोस वगैरह बनाना और जगह में लाइक अलाउड नहीं है, अभी पता नहीं यहाँ पे भी सेम है कि नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है, तो बस वीडियो पे बने रहिए। अभी एंट्री वगैरह सब कुछ हो गया है, तो भैया अभी मतलब यहाँ पे कितना किलोमीटर चला है तो वही चेक करेगा। एक्चुअली मैं भूल गया था कितना किलोमीटर चला है, तो बस वही बात है। और बस जल्दी से जल्दी भी सर्विस वगैरह करवा लेते हैं। और धूप भी आज आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कितना सोली से 529। तो भैया ने सब कुछ चेक कर लिया और मेरे स्कूटी में जैसे कि कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस भैया ने बोला कि आज मतलब सिर्फ दो चीज़ें चेंज होगा, एक है इंजन ऑयल, राइट, और एक क्या था, फ्लैशर। ओके, ऑयल फ्लैशर मतलब वो जो इंजन क्लीनिंग वगैरह होता है ना, बस वही होगा। तो सबसे पहले इंजन क्लीन वगैरह करके फिर उसके बाद इंजन ऑयल फिर से भरा के बाकी ओवरऑल वॉश वगैरह सब कुछ करने के बाद स्कूटी का हो जाएगा सर्विस, क्योंकि ये फर्स्ट सर्विस है। तो फर्स्ट सर्विस में उतना भी कुछ मतलब चेंजेस वगैरह नहीं होता है, तो बस वही बात है। तो बस वीडियो पर बने रहो और आगे तक देखते रहो कि क्या क्या होते रहता है। एंट्री वगैरह सब कुछ हो गया है डन और यहाँ पे मुझे मिल गया गेट पास। तो बस ये होते ही इसी को दिखा के गाड़ी लेके चले जाएंगे हम लोग। जैसे कि वहाँ पे लाइक वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, पता नहीं हर जगह में ऐसा क्यों लाइक ये सब सिस्टम होता है। और अभी ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 9:25, तो मेरा स्कूटर का सर्विसिंग वगैरह भी सब कुछ हो चुका है डन। लाइक मैं बोला ही था ऑलरेडी उतना भी कुछ नहीं है पर सर्विसिंग में, तो बस बात हुई है। और अभी ये जा रहा है वॉशिंग में, तो बस वॉश वगैरह होने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गाइस सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो गया है डन और सर्विस कॉस्ट सिर्फ आया है 640 रुपीज़, जो कि मैंने कहा था सिर्फ दो ही चीज़ें चेंज हुआ था, इंजन ऑयल और वो कुछ फ्लशर वगैरह। तो बस यही है और स्कूटी पूरा एकदम बिल्कुल रेडी हो गया फिर अपनी जगह। लेकिन ये लोग ना लाइक अच्छे से धोते नहीं है, लाइक वो ही मुझे पसंद नहीं है। आप लोग देख सकते हो अच्छे से क्लीन वगैरह नहीं करते, मतलब गंदा वैसे का वैसे ही रह जाता है इन सब में। तो बस वही बात है। तो बस अभी जल्दी से जल्दी निकलते हैं और मेरा गाड़ी को भी लाइक कार वॉश में दिया है, तो बस वो उसको भी जाके देखना है। तो बस वही बात है। तो गाइस जैसे कि फर्स्ट सर्विस होने के बाद लाइक ऐसे ही स्कूटर बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ है और आज ऊपर से और ज़्यादा स्मूथ हो गया। और अभी सबसे पहले फ्यूल भरा लेते हैं फुल टैंक, नहीं तो ये जो सर्विस का इंडिकेशन है ना वो ये जाता नहीं है। तो बस पहले अभी फ्यूल भरा लेते हैं फिर उसके बाद ये इंडिकेशन बंद करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग फ़िलहाल कर चुके हैं फुल टैंक और लाइक और ये सर्विस जो था ये भी हट गया और फुल टैंक भी हो गया। तो बस अभी घर पे जाके इसको अच्छे से पार्क वगैरह करके थोड़ा पोछ वोछ लेते, नहीं तो बहुत गंदा होके रखा है ना, ये लोग अच्छे से धोता नहीं है, बस यही मेरा कंप्लेन है TVS वालों से। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल घर आके अपने XT को अच्छे से पोछ के मतलब पार्क करके रख दिया और बस अभी चलते हैं स्नोई को देखने, क्योंकि स्नोई को मैंने आज सुबह ही मतलब वॉशिंग के लिए दिया था। तो घर के ऑपोजिट में ही है आईमा कार वॉश, आप लोगों को पता ही अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा है। तो बस चलते हैं और देखते हैं कि स्नोई को अभी तक उन लोगों ने वॉश किया कि नहीं। सो लेट्स सी। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो यह है स्नोई जो कि वॉशिंग के लिए दिया था और अभी टाइम है 10:15 और मैं सुबह ऑलमोस्ट 6:30 बजे दिया था, तो इतना ज़्यादा गाड़ी है ना लाइक विश्वकर्मा पूजा के लिए इतना सारा गाड़ियाँ है। तो बस अभी ये होने जा रहा है साफ, तो अभी वैक्यूम वगैरह ये सब क्लीन होगा, फिर इसके बाद वॉशिंग वगैरह होने के बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरा स्नोई का हो रहा है पूरा वॉशिंग। तो गाइज गुड मॉर्निंग और आज है 17 सितंबर और आज है विश्वकर्मा पूजा। तो बस विश्वकर्मा बाबा का नाम लेके बस अभी एंटोर्क को लेके बस निकलते हैं और सबसे पहले जाके पूजा वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो बस हर किसी का जिनके पास विश्वकर्मा है, नॉट ओनली गाड़ी, सब चीज़ जितना लोहा या फिर कुछ भी सामान वगैरह वैसा कुछ, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस देखते रहिए वीडियो। तो गाइज इतना अच्छे से साफ़ किया था लेकिन अभी फिर से गंदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग का शहर इतना ज़्यादा गंदा है कि मेरा पूरा एंटर को गंदा कर देगा उपाय भी नहीं है। सो लेट्स गो। तो गाइज अभी जैसे कि टाइम होके रखा है 7:30 हुआ है ऑलमोस्ट, और लाइक सुबह सुबह गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना गुवाहाटी में, बस वही है उसके बाद। लेकिन अभी 1-1.5 घंटा बाद जो कंडीशन होने वाला है लाइक वो आप लोगों को समझाया नहीं जा सकेगा, लाइक क्या ही हालत होगा थोड़ा देर बाद। तो
गाइस ये मैं अभी आके पहुंच चुका हूँ गणेश मंदिर, जो कि लताशील गणेश मंदिर है। तो यहीं पे कर लेते पूजा। तो अभी चलते मंदिर के अंदर और यहाँ से ले लेते हैं टोकन, क्योंकि विदाउट टोकन आज पूजा वगैरह नहीं होगा। तो बस यहाँ से ले लेते हैं टोकन। यहाँ पे थोड़ा प्रदीप वगैरह चला के थोड़ा फूल वूल ले लिया और अंदर पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइज हम लोग का पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है डन, और पापा मम्मी का स्कूटी लेके आया था पूजा करवाने के लिए और मैं अपना स्कूटर लाया था। तो बस अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, अभी जल्दी से जल्दी जाके स्नोई को भी लाते और मेरे पापा को पापा का बाइक को भी लाते, लाके यहाँ पे पूजा करवा लेते जल्दी से जल्दी। गाइज एंटॉक का और हम लोग के मम्मी के एक्टिवा का पूजा हो गया, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक और स्नोई को पूजा करवाने। तो गाइस जब गाड़ी वगैरह क्लीन करते हैं ना हम लोग, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग देख सकते हो, लाइक वाओ। तो बस वही बात है, सुबह से अभी निकलते हैं और इतना ज़्यादा गर्मी है यार। तो गाइज ऑलमोस्ट अभी आके पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक अभी पहुंचने वाले हैं गणेश मंदिर। तो एक्चुअली हम लोग हमेशा, मतलब मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि मम्मी पापा हमेशा यहीं पे आते थे पूजा वगैरह करवाने के लिए विश्वकर्मा पूजा में। तो गणेश जी के यहाँ पे हम लोग एवरी ईयर आते हैं, और आज स्पेशली मैं अपने तूफान को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ना गाइज, मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, लाइक इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, उपाय भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस अभी जाके स्नोई को और मेरे पापा के बाइक को, मीटियोर को भी पूजा करवा लेते, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। तब तक वीडियो पे बने रहिए। तो बस यही बात है। तो फिर से जय बाबा विश्वकर्मा, सबके विश्वकर्माओं को, सबके गाड़ी मोटर जितने कुछ व्हीकल्स वगैरह सबको अच्छा रखे, सलामत रखे, बस यही कामना करता हूँ। तो बस अभी ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, तो बस चलते हैं। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है डन। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स में। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और फिर से दोबारा हैप्पी विश्वकर्मा पूजा सबके लिए और सबको मेरी तरफ से। तो बस और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।